Hello students, hope you all are safe at home. A very good morning to everyone. Students, आज असी पंजाबी पाठ माला दा पाठ दो करन जा रहे हाँ, जिसका नाम है अनोखा फैसला. अनोखा मीन्स अलग जिहा फैसला, डिसीजन. पाठ दा उद्देश बच्चे लई माँ दे दिल विचले असली प्यार नूं दर्शाउणा, यानी कि माँ दे दिल विच बच्चे लई की प्यार हुंदा है वो इस चैप्टर विच दर्शाया गया है. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बेटा, पाठ दा उद्देश मैं ऑलरेडी तुहानू दस चुकी हाँ. राजे दा दरबार लग्या होया सी ते लोक अपनी फरियाद लैके आ रहे सन. फरियाद मीन्स पुकार. राजा बहुत सोच समझ के फैसला करता सी. फैसला डिसीजन जो दोवां धिरां नूं मंजूर हुंदा सी. धिरां मीन्स ऑपोजिशन साइड्स, पार्टीज, मतलब लड़ाई झगड़ा दो लाइक बंदियां च हो सकदा, दो पार्टीज च हो सकदा, दो धिरां हुंदियां हन. मंजूर स्वीकार हुंदा सी. दरबार विच हाज़र लोग राजे की जय जयकार कर रहे सन. स्टूडेंट्स, हुण तुसीं देखोगे कि राजे का दरबार लग्या होया है. ठीक है, राजे दे दरबार विच लोकी बैठे सन. ठीक है, उत्थे लोग अपनी फरियाद लेके आ रहे सन ते राजा जो भी सी सोच समझ के फैसला करदा सी, जो कि दोहां धिरां नूं मंजूर हुंदा सी. ठीक है, दोहां धिरां नूं मतलब लई कोई भी पार्टी आ जाए उन्हां नूं एक्सैप्ट करना पैंदा सी. ते जिहड़े राजे दे दरबार दे विच लोक हन उह राजे की जय जयकार करदे सन उहदे फैसले ते खुश हो के. हाँ जी, फिर दरबारियां ने दो अजिहियां औरतां नूं राजे दे सामने पेश कीता जो एक बच्चे नूं जिस दी उम्र कुछ महीनियां दी सी उस नूं अपना कह रहियां सन. दोवें औरतां रो रो के फरियाद कर रहियां सन. एक कह रही सी कि पुत्तर मेरा है ते दूजी चीख चीख के आख रही सी कि इस बच्चे नूं मैं जन्म दित्ता है. ते दरबार विच हाज़र सारे लोग हैरान सन ते सोच रहे सन कि वेखदे हां कि राजा हुण किस नाल न्याय करेगा. न्याय मीन्स सही फैसला. देख रहे हो स्टूडेंट्स कि दरबार दे विच दो औरतां पेश होईयां जिसने बच्चा चक्या होया है ते दोनों आपस दे विच लड़ रहियां सन. वो कह रहियां सन कि ये पुत्तर मेरा है ते दूजी कह रही सी पुत्तर मेरा है, इस बच्चे नूं मैं जन्म दिता है. ठीक है, तुसीं देख पा रहे हो कि ये औरत कह रही है रो के चिल्ला के कि ये पुत्तर मेरा है. ठीक है, बट दरबार दे विच जिहड़े लोग सन सारे हैरान सन ते उह सोचण लग पए कि राजा हुण किस नाल न्याय करेगा, मतलब उह किस औरत दा साथ देवेगा, किद्दां पता चलेगा. थोड़ी देर लई राजे ने चुप्पी धारण कर ली ते फिर अचानक अहलकारां नूं हुक्म सुनाया. हुक्म मीन्स ऑर्डर कि इस बच्चे दे दो टोटे कर देवो. टोटे मीन्स टुकड़े, पीसिस. ते एक एक टोटा दोवां औरतां नूं दे दित्ता जावे. बच्चों, हुण इदां हो सकदा है कि बच्चे दे टुकड़े, हुण देखो राजे ने चुप्पी धारण कीती होई है. राजा सोच रहा है कि मैं किद्दां फैसला करां. फिर उस तो बाद की होया. ठीक है, राजे ने की किया, हुक्म सुनाया कि इस बच्चे दे दो टोटे कर देवो. ठीक है, एक एक टोटा, लाइक टोटा किद्दां होएगा तुहानू पता है बच्चे? यस, उहदे हाथ च हथियार देख रहे हो तुसीं. इस हथियार नाल ऑर्डर सुनाया गया कि उसदे दो टोटे करके एक टोटा पहली औरत नूं ते दूसरा दूजी औरत नूं दे दित्ता जावे. ये फैसला सुनाया गया. दोवां औरतों विचों एक चुप सी ते दूजी औरत ने हाल दुहाई पाउणी शुरू कर दित्ती. हाल दुहाई मीनस रौला, चीख चिहाड़ा. ते कहा, राजन मैं झूठ बोलिया है, मैनू कोई भी सज़ा दे देवो पर इस बच्चे दे टोटे ना करो. यह बच्चा इस नूं दे देवो, यही उसकी माँ है. वह तरला लै रही सी. हुण एक औरत ने देखिया तुसी बच्चे कि नीचे बैठ के हाल दुहाई रौला चीख चिहाड़ा पाउण शुरू कर दिता, कि दूजी औरत चुप हो के खड़ी हो गई. तो बोलन लग गई कि मैं झूठ बोलिया है, मैनू सज़ा दे दो पर इस बच्चे दे टोटे ना करो. ठीक है, उतरला लै रही सी. तो पर राजे ने आखिर दे विच अनोखा फैसला की किया. फिर राजे ने आखिरी ते अनोखा फैसला किया ते कहा कि ये बच्चा इस औरत दा है जो इस तो विछड़ ता सकती है पर अपनियां अखां सामने इस नूं मरदे नहीं वेख सकती. ते दूजी औरत ने अपना गुनाह मान लिया अते दरबार विच फिर राजे दी जय जयकार गुंजन लगी. फिर राजे ने की फैसला किया कि ये बच्चा उस औरत दा है जो इस तो विछड़ ता सकती है पर अखां सामने मरदे नहीं वेख सकती, मतलब जिहड़ी कह रही
ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ